आज 8 बज गया, लेकिन अभी तक तो सनराइज़ नहीं हुआ है। इस तरीके से हल्का फुल्का बादल बना हुआ है। आज सुबह से धूप नहीं निकला है। धूप नहीं निकला हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन गर्मी में कोई भी कमी नहीं है। उमस भरी गर्मी है। दिखती हूँ अपने बाग बगीचे में क्या हुआ है, कौन सा फूल निकला है। ये देखिए, ये फूल निकला है इधर। ये सब जवा तो निकल ही नहीं रहा है। अभी खाद पानी डालेंगे तभी ना निकलेगा। तो इस तरीके का सुबह का मौसम है, बिना धूप वाला गर्मी का मौसम है। और ये नींबू देख सकते हैं। निकलेगा, धूप तो निकलेगा ही। तो चलते हैं नीचे अब। तो सारा काम हम करके आ रहे हैं, क्लीनिंग वगैरह, रूम क्लीनिंग वगैरह करके आ रहे हैं नीचे से। और सारा काम हो गया है, अब मेरा चाय बन रहा है। और कटिंग चॉपिंग जो होता है सारा, सब्जी वगैरह का सारा हमने करके रखा हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं। और इधर आज सब्जी में बनाएंगे आलू परवल की सब्जी, आलू परवल की सब्जी। और ये थोड़ा सा चना बचा हुआ है कल का, इसे भी इसी में डाल देंगे। तो आलू परवल की सब्जी बनाएंगे। और इधर देखिए, फ्रूट्स वगैरह हमने छील कर रखा हुआ है, इसको थोड़ी देर में काटते हैं। और यहाँ पर मेरे लिए चाय बन रहा है, सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद से आगे का जो भी प्रोग्राम है खाना पीना बनाने का वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले चाय पीते हैं। बैंगन भाजा हो गया है, बना लेते हैं सब्जी। इसी वाले में थोड़ा सा जीरा, सूखी लाल मिर्च और एक तेजपत्ता का फोड़न दे देते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसमें एक मीडियम साइज का प्याज भी डालेंगे लंबा लंबा कट करके। तो थोड़ा सा सब्जी भून लेते हैं, फिर प्याज डालकर भूनेंगे। और यहाँ पर मसाले में मैंने अदरक लहसुन जीरा हल्दी लाल मिर्च और थोड़ा सा दही डाला हुआ है। सारा मसाला हमने भिगो दिया है। सब्जी अच्छे से भून लेते हैं, पहले सब्जी को ढककर भूनते हैं, अच्छे से पक जाएगा। इसमें डाल देंगे लंबे स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज और स्वाद अनुसार नमक, जिससे कि सब्जी अच्छे से पके। नमक सब्जी स्टीम में ही पक जाए, इसलिए ढककर पका रहे हैं। सब्जी यहाँ पर अच्छे से भून गया है। मसाला अच्छे से भून चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं।
अब इसके बराबर हमने पानी डाल दिया है क्योंकि आलू अभी कच्चा है, आलू पक जाएगा। अब यहाँ पर दाल हो गया है तो जीरा और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगा देते हैं। अभी सब्जी चेक कर लेते हैं, सब्जी हो गया है, ऐसा ही सब्जी उतरेगा। देखिए बहुत ही मस्त बना है, आलू परवल और चना की सब्जी। सब्जी रेडी है, इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इधर एक तरफ भात चढ़ा हुआ है, हम फाई इधर लच्छा पराठा बना रही है नाश्ते के लिए। तो सारा खाना कंप्लीट हो गया है, चावल बनेगा तो रेडी हो जाएगा सारा खाना। और इधर तब तक हम चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर बन रहा है। तो इधर हमको नाश्ता मिल गया है, लच्छा पराठा और जो सब्जी बनाए हैं आलू परवल का, उसी के साथ नाश्ता करते हैं। बहुत सारे परतों वाला ये पराठा है, देखिए पायल को सिखा रहे हैं कैसे बनेगा लच्छा पराठा। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late.